the word nepotism always works for many one, but it has not worked in your favor. Thank you for saying that. It's been 10 years, it's not worked for me. So, nahi yaar, I think agar aaj aap dekhen to Alia Bhatt jab करती है गंगूबाई तो उसको उतना ही प्यार मिलता है जितना कार्तिक आर्यन को मिलता है भूल भुलैया के लिए. तो आई थिंक ये बहुत ही फ्यूटाइल कॉन्वर्सेशन था जब नेपोटिज्म के बारे में बातें करने लोगों ने शुरू की थी. एंड आई फील कि एट द एंड ऑफ द डे वो क्या एक्स फैक्टर है जो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है एक एक्टर के बारे में. और ऑडियंस एक्सेप्टेंस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, चाहे कितना भी पैसा लगा लें, कितने भी पोस्टर खरीद लें, फ्रंट पेजेस खरीद लें, उससे कुछ नहीं होता. इवेंचुअली इट्स द ऑडियंस. और नेपोटिज्म से कुछ नहीं होता यार. मतलब मैं कितनी भी फिल्में बना लूँ लाइफ में, अगर मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है तो ऑडियंस मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो जब मैं आश्रम में आया और 10 साल की मेरी भी एक मेहनत रही है लाइफ में, स्ट्रगल रही है लाइफ में, जो शायद अभी बात नहीं करूँगा मैं इसके बारे में, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काम किया और एकदम जिस चीज़ से मैंने, बिकॉज मैं इतना हार चुका था लाइफ में, मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था. और जैसे ही मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ा और जब आश्रम आई तो अगले दिन से क्या हुआ इंडस्ट्री में और क्या हुआ, आई कांट टेल यू ऑनेस्टली. इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल. सो ये नेपोटिज्म से बॉस कुछ नहीं पाया. प्रकाश जी, माय क्वेश्चन इज फॉर यू. मेरा एक सवाल है अनुप्रिया से, मेरा सवाल है और त्रिधा से भी है मेरा सवाल. इसीलिए आप लोग लड़कियों से तो बात ही नहीं कर रहे हैं. डर रहे हैं, नहीं चल रहा है सब. आप लोग डर रहे हैं इनसे बात करने में. नहीं नहीं सर. अच्छा ठीक है, आपके पास है कि नहीं सवाल? तो पहले आप पूछ लो. ठीक है सर, आप पूछिए सर. मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि आप लोग सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, सवाल बना क्यों नहीं रहे. आपके यहाँ होने से कुछ सवाल बनने चाहिए तो वो हो क्यों नहीं रहे. He's the only male who's progressive and thinking about the other gender as well, clearly. Okay, Prakash ji, my question is for you. This is the first time we are meeting after the launch of this series way back in 2020. So, what made you actually think that Bobby Deol was the right choice as the title role? आपके पास कोई alternative है? आपके पास मैं ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं नजर आया कोई दूसरा अल्टरनेटिव. ओके, जो मेरा जो कैरेक्टर था उसकी प्रेजेंस, पर्सनालिटी और अंदर के लेयर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है. बहुत पहले से समझ रहा था कि इसके पास बहुत बड़ा रेंज है जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है. और ये गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ है, ये हमारे पास दूसरा कोई नाम नहीं आया. मैंने बॉबी देओल का नाम कहा और हमारे एमएक्स प्लेयर ने हमारी हर डिसीजन को, उल्टे सीधे जितने डिसीजन है उसको साथ दिया है. तो उन्होंने बिल्कुल हाँ कहा और परिणाम आप देख सकते हैं कि बॉबी देओल कहाँ से कहाँ, बाबा कितने बड़े हो गए हैं अब तो. शायद ऑल्टरनेट सोच भी रहे हैं कुछ.